नमस्कार साथियों, कैसे हो सब लोग? दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल जल्दी से भाई, जो भी लोग जुड़े हैं सब एक बार शेयर कर दो, सुन्नू मुन्नू सब एक बार शेयर कर दो, लाले लालिया। बिल्कुल, तो ये जो क्लास है स्टैटिक जी के, 7 to 8 टाइम है, ठीक है? बिल्कुल 7 बजने वाले हैं, सब तैयार हो जाओ एकदम लड्डू वड्डू खा के। और हम जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं वो राजस्थान कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, वो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर काफी चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां से कुछ सुनाने की पूरी संभावना है, ठीक है? तो आप ध्यान रखना पूरा, पर क्या क्या चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे हम। जल्दी से एक बार पेन कॉपी हाथ में ले लो और नोट कर लो फटाफट क्या क्या पढ़ने वाले हम, समझ गए? बिल्कुल, एक बार शेयर कर दो फटाफट। जिन्होंने भी क्लास को शेयर नहीं किया एक बार शेयर करके आ जाओ फटाफट। देखो, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? देखो बहुत टफ क्वेश्चन है ये, मिडिवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है, और खास करके एनसीईआरटी में मिडिवल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। इस पेपर में आप देखोगे तो आपको विशेषकर, तो क्योंकि इतना सिलेबस बड़ा होता है तो चीजें बहुत ज्यादा है ना, याद नहीं रहती, और याद रहती है तो भी रिविजन कम हो पाता है। लास्ट तक लगता है कि मुझे एनसीईआरटी मिडिवल में कुछ भी नहीं आता, ठीक है? लेकिन आपने ये बढ़िया नाम सुना एक, अमीर खुसरो, वही इसका आंसर है। क्या है? अमीर खुसरो जो इसका राइट आंसर है। न दुर्जटी के बारे में पता है, न पीताम्बर द्विज के बारे में पता है, न सरला दास के बारे में पता है। ऐसे क्वेश्चन को कम से कम चेप देना चाहिए, ठीक है? लग रहा है कि भाई सिलेक्शन नहीं होगा या करीब है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी एक वो, इन्होंने जो मुकरी लिखी थी, एक 100 मोतियों से थाल भरा ऊपर, उसमें इस तरीके से एक मतलब पहेलियां होती ना, पहेलियां मुकरियां, ये इन्होंने काम किया था एक तो। और इनकी बहुत सारी आशिकी है, दो चार इनकी जो है रसनाएं भी है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत काल के टाइम के हैं, मुगल काल के नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? मिडिवल में खास करके सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय ये आप पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई जो है ना अलग अलग सिलसिले हैं, जैसे अपने इंडिया में संत संप्रदाय, संप्रदाय बोलते हैं संतों को, इसी प्रकार यहाँ पर सिलसिला, तो सिस्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, ठीक है, ऐसे करके। तो इन सिलसिलों को ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर सिस्ती सिलसिला जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, समझ गए? तो इसके अलावा संप्रदाय में जो भी चीजें हैं, अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत किसने दिया, शुद्धाद्वैत किसने दिया, ये भी सब ध्यान रखेंगे। द्वैताद्वैतवाद किसने दिया, नीबकाचार्य का संबंध किससे है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। साथ में एक क्वेश्चन आता है वर्करी संप्रदाय, वर्करी संप्रदाय ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और इसकी मुख्य पीठ पंढरपुर, पंढरपुर, ठीक है? और ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो संत हुए उनका नाम क्या है, नामदेव है, तुकाराम है, ये संत भी पता होना चाहिए। और खास करके तुलसीदास के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान होना चाहिए, तुलसीदास, तुलसीदास इनकी रचनाएं, इनका टाइम पीरियड, जैसे मीरा का टाइम पीरियड पूछा जाता है, मीरा का टाइम पीरियड 1498 यानी 15वीं सदी, लगभग 15वीं सदी बोल सकते हो आप। लेकिन मीराबाई का जन्म किस सदी हुआ, तो आप क्या बताओगे, 15वीं सदी में, ठीक है? कार्यकाल या उसने काम कब किया या जो भी है, तो वो आएगा अपने 16वीं सदी में। आपको ये तो पता है ना, सदी 15वीं सदी का मतलब क्या होता है, 15वीं सदी का मतलब होता है 1401 से लेकर 1499, तो मीराबाई का जन्म तो 1498 में हुआ, इसलिए तो सत्यभामा रुशनो, ऐसी इनकी जो है कई रचना है, ठीक है? तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऐसे करके ये संप्रदाय वाला गारंटी एक क्वेश्चन अगली बार भी आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट एक बार, ये बढ़िया है ना, देखो, हाँ ठीक है, जल्दी से। रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? वो गद्दी नहीं डंकी, ये गद्दी वो है राज दरबार वाली, और एक ही मतलब सल्तनत काल में या पीरियड में जो भी, एक मिडिवल काल में एक महिला थी, उसका नाम यही था रजिया सुल्तान, जो राजगद्दी पर बैठी थी। बताओ आंसर क्या होगा फटाफट, ठीक है? तो गद्दी से हटाया गया था, लगभग टाइम क्या है, सल्तनत काल का टाइम कौन सा है, लगभग, ठीक है? तो 1240। देखो ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, क्यों है, ऑप्शन क्लोज है, 36 है, 38 है, 40 है और 42 है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की संभावना, या तो आपको आता है तब करो, तुक्के मत मारना,
ऐसे क्वेश्चन पे तुक्के बिल्कुल नहीं मारने आपको। तो सल्तनत काल में कौन कौन से मतलब शासक बने, क्या क्या वंश थे, उनको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले कौन सा वंश था, फिर उसके बाद कौन सा था, तो गुलाम वंश पहले आया, गुलाम वंश पहले आया। इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका संस्थापक कौन था, इन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ये वंश है सैयद वंश, फिर लोदी वंश। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, लोदी वंश ध्यान रखेंगे। है ये आरती ज्यादा बातें कर रही है, ऐसा लग रहा है मुझे, ना मानेगी। है राकेश, हर्ष, सबका वेलकम। जल्दी से भाई एक बार शेयर कर दो फटाफट क्लास को, एकदम आग लगाओ क्लास को, एकदम रसगुल्ला फोड़ो उस क्लास पे। ठीक है, या जो भी है मिठाई विठाई जल्दी से। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा अगर शासन काल रहा वो रहा तुगलक वंश का, तुगलक वंश का सबसे ज्यादा शासन काल रहा, 100 साल से ज्यादा। ठीक है, तो तुगलक वंश, क्या तुगलक वंश, तुगलक वंश। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो 1240 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो एक ऑनलाइन बटन और दबाते हैं। ये लो तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेहतरीन है। मठ की मस्जिद, ये वो मठ नहीं है जो आप खाते हो, ये वो मठ है। ये मठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल के दौरान किया गया, तो सिकंदर लोदी, ये क्या गया, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। बड़े नाम है, बड़े नाम अपने आप में बड़े लीडर है, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, साकों का बादशाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, बताओ क्या राइट आंसर होगा, क्या लग रहा है, सेशन मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ फटाफट। हैं, ना मानोगे, चलो तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, थर्ड का आंसर बताओ फटाफट, थर्ड का आंसर बताओ फटाफट। देखो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के समय की बात है। क्या है, सिकंदर लोदी के समय की बात है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है बलबन से। बलबन इसको बोलते हैं लो और रक्त नीति का सिद्धांत दिया। मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, इतना रिवीजन कराऊंगा, इतना कराऊंगा कि बस है ना, देखते रह जाओगे पेपर में कि सर हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर भी करके आ गए, बिल्कुल करके आ गए, और क्या। ठीक है, तो लो और रक्त नीति आप याद कैसे करोगे, ब्लड, यही तो होता, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, बी फॉर ब्लड, बी फॉर बलबन। यस, आ गया बलबन। अच्छा, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश को, इल्तुतमिश की बेटी थी वो रजिया थी, है ना, ऐसे करके ध्यान रखेंगे। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ो, मोहम्मद बिन तुगलक बड़ा इंपॉर्टेंट। तुगलक के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये है ना, ये आदमी नहीं था, क्या था फिर, इन्होंने जो भी काम किया ना वो काम आज तक सफल नहीं हुए, बात ये थी, किस्मत खराब थी। ठीक है, MBT बोलता हूं मैं इनको प्यार से, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक बेटा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, पहली बात तो इनकी एक कृषि विभाग था ना, वो इनका सक्सेस हुआ, कृषि विभाग। इसका इन्होंने नाम रखा था जो एग्जाम में ज्यादा बार पूछा जाता है, दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये क्वेश्चन आ गया और आपने ये पढ़ा ही नहीं है तो आप कृषि को कैसे जोड़ोगे, दीवान ए अमीर कोही को कृषि बोलते थे, हाँ बोलते थे गुरु जी बिल्कुल, तो कृषि विभाग को दीवान ए अमीर कोही बोलते थे, अमीर कोही। ठीक है, फील ही नहीं हो रहा कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए और ये कृषि विभाग दे रखा हो तो फील ही नहीं होगा। जैसे गुप्त काल में बोलते थे सीताध्यक्ष, तो सीताध्यक्ष भूमि को बोलते थे, क्योंकि ऐसे बोल सकते हो भाई सीता का जो है जन्म भूमि से हुआ था, ऐसे करके। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी पूरी संभावना है, समझ गए। तो MBT, इसके अलावा MBT ने राजधानी चेंज की तो वहां पर कोई फायदा नहीं मिला, और इसके अलावा इन्होंने जो है सिक्के चलाए थे, टोकन, टोकन मनी स्टार्ट की, टोकन करेंसी वो फेल हो गई, टोकन करेंसी फेल हो गई। सेनाओं पर कुछ ज्यादा पैसा खर्च किया गया था वो भी फेल हो गया। तो ये पढ़ा लिखा शासक था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन इसने जो भी अपने शासनकाल में काम किया जो भी बोलो आप, सब फेल रहे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। और एक तरफ आप मुगल काल में देखो अकबर अनपढ़ एकदम, ठीक है, लेकिन खेल गया भाई साहब, क्या गया, खेल गया, सही कह रहा हूं नर्स, हाँ ठीक है, हर्ष, गुरुमोलू, अंकित, सन्नू, सन्नू बटो है, सनु बेटो पढ़ाई करो कि नहीं करो, है सोनिया,
सोनिया था, दो चार छह पिया वाला मन लगे उंदरा उंदरा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लो देखो, ये हमारे पास है ये, ठीक है। बताओ वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, इसको गैंगिंग एक्ट भी बोलते हैं। क्या? मुंह बंद की संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार तो गैंगिंग एक्ट 1878, ये याद कर लो। अब कुछ एक्ट याद करो जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। वो कौन कौन से एक्ट जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं बताओ फटाफट। 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके टाइम आया, जल्दी बताओ किसके टाइम आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा एक यहां से इल्बर्ट बिल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियरी से रिलेटेड है, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। किससे रिलेटेड है? न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश से रिलेटेड इल्बर्ट बिल 1882 का है। टाइम क्या है? टाइम ये है अपने लॉर्ड रिपन साहब का, रिपन अपने भले मानुस सज्जन मानुस, ठीक है। रिपन स्थानीय स्वशासन का जनक, लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और जनगणना जो शुरुआती जनगणना तो किसके टाइम स्टार्ट हुई थी बताओ, ठीक है। और लगातार जो जनगणना ना वो यहां से 1881 से। अच्छा इनसे पहले कौन हुआ? लॉर्ड लिटन, इसने तो सिविल सर्विसेज की आयु घटा दी, ठीक है, 21 से 18 पे लेके आ गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये काफी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, ये आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे HSRA, ठीक है, सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कब की बात है? ये 1928 की बात है। अच्छा HRA कब बना गुरुजी? ये HRA बना काकोरी कांड, कब हुआ? 9 अगस्त 1925। अब हाल ही में जो है अपने यूपी सरकार, ठीक है, तो उन्होंने जो इसका नाम चेंज कर दिया है, काकोरी एक्शन रखा है, तो कांड को अब एक्शन बोला जाएगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत में जितने भी कांड हुए ना उनको भी एक्शन कर देना चाहिए। क्या? किष्किंधा कांड, कांड क्या चीज है? कुछ नहीं है, ठीक है, सही कह रहा हूं, इसको भी एक्शन कर दो। क्या कर दो? एक्शन कर दो। तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला 1928, ये 1924 ध्यान रखेंगे, और ये 1928 दिल्ली, क्या दिल्ली, अपनी कौन सी छावनी थी जिसने दिल्ली चलो नारा दिया? कौन सी छावनी थी? एरिनपुरा थी क्या? दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ठीक है, मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ फटाफट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया? ये क्वेश्चन बेहतरीन था, ये क्वेश्चन इसलिए बेहतरीन था कि मैं अगर इस ऑप्शन को काटू ना उसके बाद ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा। क्यों? 6, 8 और 8 क्या लगता है आपको? 8 मई 6 अप्रैल और 8 अप्रैल आंसर जहां तक मुझे लगता है ये भी नहीं होगा, क्योंकि अप्रैल कॉमन है, जो कॉमन होते हैं ना वहां पर एग्जामिनर हिंट देता है आपको कि बच्चों इतना याद नहीं रहता, मैं आपको हिंट देता हूँ छोटू मोटू, ठीक है। तो ये हिंट दी आपको, क्या मिली है? हिंट मिली है आपको 6 में बताओ फटाफट। तो देखो हिंट मिली है, और हिंट में देखो आप है ना कैसे करोगे, चलो है ना थोड़ी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, हमेशा मान लो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे 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 गुरु जी, ठीक है। तो देखो 6 अप्रैल कॉमन, देखो कॉमन देखो, तो कॉमन कहाँ पर आया? पूरा कॉमन कहाँ पर आया? ये कॉमन आया, क्या है ये कॉमन है, कुछ नहीं करना, रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो गांधी जी इस टाइम अवतरित हो चुके हैं भारत में, बिल्कुल 1915 से एंट्री मारी थी, ठीक है, अब इसमें एंट्री हो चुके। इससे पहले अगर आपको और ध्यान रखना है तो चंपारण खेड़ा अहमदाबाद, चंपारण 1917 खेड़ा 1918 अहमदाबाद, ठीक है अहमदाबाद, और फिर उसके बाद में रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है?
अब देखो, अब यहां से आपके क्वेश्चन खुलेंगे ज्योग्राफी के, इंडिया ज्योग्राफी के यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। आरएएस में पूछा गया नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, क्या है डोडा बेटा, और बेटा आजकल नाम किसका रखा है, फेसबुक का बेटा बोलता हूं, मेटा रखा है, मेटा, लेकिन मेटा नहीं रखते जुकरबर्ग साहब, जो है थोड़ा बेटा रखते तो मजा आता, कैसे, मम्मी या पापा पूछते बेटा क्या कर रहे हो, के बेटे से बात कर रहा हूँ, ऐसे बताओ शादी हुई नहीं बेटा हो गया लो, अच्छा, और या फिर कोई और कोई आपस में चल रही है थोड़ी लव स्टोरी, तो बेटा क्या कर रहे हो, कि बेटा चला रहा हूँ, बेटा चलता है, ठीक है, ऐसे तो मेटा नाम रखा, इसलिए जुकरबर्ग साहब ने देखा बेटा कौन रखे, मेटा रख देते, लेकिन क्या ये मेटा क्या नाम, फेसबुक बढ़िया था, फेसबुक बढ़िया, जुकरबर्ग की क्या जैसी, मामला सेट नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है ये नाम ऐसे क्यों कर दिया, मेटा क्यों रख दिया, मेटा पैसे ज्यादा मिल लेते क्या, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो है जो याद आए तो, और बताओ तुझे एक गाना सुनाता हूँ, लिया वो भी नणी बिल्कुल मैं तो कद पर ना सी भाबलियो, संगला साथी पर ना रह गया मैं तो कमर हो टाबरियो, हैं अरे लड़कियां कैसे करती है, सासरे जाती तब कैसे करती है, अब ये पता नहीं है कि भाई सा तो 2 साल से रिलेशनशिप में थे, अफेयर चल रहा था, ठीक है, करंट अफेयर नहीं चल रहा था, अफेयर चल रहा था, और सुबह सुबह की बातें किया करते थे रजाई में, 3-3 बजे तक 4-4 बजे तक बातें छेड़ते थे, लेकिन अब भाई सा को पता नहीं क्या हो रहा है, ये भाई ढोंग सब क्यों रचते हो आप, है ये इसका क्या मतलब है, मतलब समझ में नहीं आ रहा मुझे, है चलो आंसर क्या होगा, प्रसिद्ध मरित पर्वतमाला, एक ही बेचारी अरावली पर्वतमाला, अपने सीन तो इसके समकालीन है अरावली पर्वतमाला, ठीक है, किस काल की है, जीटीएस ज्योग्राफिक टाइम स्केल में देखोगे तो ये प्री कैम्ब्रियन, क्या है प्री कैम्ब्रियन काल की, ये कहीं क्लिप निकाल तो मत देना, कहीं व्हाट्सएप पर चेप दो है, पता लगा बेइज्जती हो गई, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन का, अच्छा हिमालय पर्वतमाला वलित पर्वत है, क्या वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, नवीन आपको पता है भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है ना वो हिमालय से भी पुराना है इतना, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और आल्प्स तो आपको पता ही, आल्प्स कहाँ पर, यूरोप में, आल्प्स कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, समझ गए, और नीलगिरी से और क्या याद रखोगे, नीलगिरी अपने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये जो पहाड़ है ना ये इसी आपस में मिलते हैं, यहाँ पर नीलगिरी, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा, और राजस्थान का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, नीलगिरी, नीलगिरी 1986 राजस्थान का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, अच्छा राजस्थान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व, 18, तो पता है एक क्वेश्चन आया था, हाँ अपने किसमें आया था वो, पटवार में था, ठीक है, तो ये पूरा करवाया था मैंने ज्योग्राफी में, तो वहां पर पूछा था कि निम्न में से बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, उन्होंने क्या दे दिया, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, कच्छ का रण है, क्या है कच्छ का रण, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना था, उन्होंने बहुत कंफ्यूज किया और बहुत सारे लोगों का गलत हुआ, कच्छ का रण, ठीक है, वैसे ग्रेट निकोबार तो ही 18 के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, कमेंट बॉक्स में याद कर लेना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अच्छा उससे पहले थोड़ी मैं आपको है ना, देखो मुझे मतलब है ना आपका ख्याल बहुत रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जितना भी आता है ना पूरा चेप दूँ, ठीक है, तो बस आप ध्यान रखो, अब कैसे, अब आप देखो खुश हो जाओ, मजा, अरे गुरुजी वाह मौज कर दी, ठीक है, देखो अप्लेसियन पर्वतमाला, अप्लेसियन पर्वतमाला कहाँ पर है, कहाँ पर है बताओ, कहाँ पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया ग्राम सेवक में, वीडियो की कर रहे हो ना, तो वीडियो में पूछा गया है, तो आप जब उत्तरी अमेरिका के मैप में देखोगे ना तो आपको ये कहां पर मिलेगा, पूर्व और दक्षिण, ठीक है, इस साइड मिलेगा, पूर्व में नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, रॉकी आपको मिलेगा उत्तर पश्चिम में, रॉकी माउंटेन, ठीक है, तो रॉकी भी कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में, अच्छा एकंकागुआ या एंडीज पर्वतमाला जिसकी सबसे ऊंची चोटी एकंकागुआ, ठीक है, एंडीज एकंकागुआ, ठीक है, समझ गए, है कहां पर, साउथ अमेरिका में, क्या साउथ अमेरिका में, ये क्वेश्चन छप जाएगा एक कांस्टेबल वालों, ध्यान रखना, ठीक है, और क्लास को शेयर किया करो, सहारा पर्वत, तो सहारा तो अपने दक्षिण अफ्रीका, पूरा है ना अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिण अफ्रीका में तो नहीं पड़ता, दक्षिण अफ्रीका में ड्रेकन्सबर्ग पर्वत पड़ता है, ठीक है,
ड्रेकन्सबर्ग, एक आया था क्वेश्चन मैसेटा, मैसेटा आरएस में पूछा गया, मैसेटा यूरोप में है, क्या है, मैसेटा यूरोप में है, मैसेटा यूरोप में है। अच्छा साउथ आल्प्स, साउथ आल्प्स ये दक्षिणी आल्प्स, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन ऐसा ही में पूछा गया, ठीक है। साउथ आल्प्स कहां पर है, न्यूजीलैंड में, कहां पर है, न्यूजीलैंड में, ठीक है। आल्प्स कहां पर है, आल्प्स यूरोप में है, आल्प्स कहां पर है, यूरोप में है, ठीक है, आल्प्स कहां पर है, यूरोप में, ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, समझ गए। सहारा पूरा अफ्रीका में, अफ्रीका में शुरुआत का यानी उत्तरी जो अफ्रीका ना उत्तरी, वहां ये कम से कम 7-8 जिले कवर करता है सहारा। एक सेने रिगेटो पूछा था, सेने सेरेनेगेटो, सेरेनेगेटो तो नाम से ही लग रहा है, सेरेनेगेटो ये अफ्रीका में, ये कहां पर है, अफ्रीका में, ठीक है, कहां पर है, अफ्रीका में, याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा महाद्वीप का ऑर्डर पता है, ये आप बता दो मुझे, महाद्वीप और महाद्वीप उसका ओशियन का, तो कॉन्टिनेंट का ऑर्डर पता होना चाहिए, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है क्षेत्रफल वाइज, ठीक है, और ओशियन का ऑर्डर, ओशियन का ऑर्डर, ठीक है, ये आपका होमवर्क, तो जो होमवर्क देता हूं उनको कर लिया करो, जरूरी है, एग्जाम में आते हैं बहुत सारे, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, समझ गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखो अगला, छोटा नागपुर के पठार निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, ओहो कौन सा नहीं पाया जाता बताओ, कौन सा नहीं मिलेगा, मैग्नीज, कोयला, लोहा और सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, चल मेरे, चल मेरे, आठ 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 का बताओ फटाफट भाई। सोना, सोना अपने कर्नाटक और विशेष करके ऑस्ट्रेलिया में कुल गारडी और काल गुरुडी उसकी खाना में मिलता है सोना, ठीक है, तो सोना, सोना से आभूषण से लड़कियों को बहुत प्यार है, ठीक है, लड़कियां बहुत पसंद करती है सोना, हाँ सोना बाबू भी, सोना बाबू लड़के पसंद करते हैं, और गोल्ड जो है लड़कियां पसंद करती है, ठीक है। छोटा नागपुर के पठार, तो देखो छोटा नागपुर का पठार कहां पर है, किसको अलग करता है, तो वहां पर एक क्वेश्चन रहता है मालदा गैप, मालदा भ्रंश, जैसे अपने राजस्थान में एक है ना, कौन सा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ये चित्तौड़गढ़, बांस अपना चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी और सवाई माधोपुर, CBSE में क्या हो गया, फेल हो गया, ऐसे ट्रिक है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये अरावली और विंध्यन का मिलन स्थल है, ये क्या है, भ्रंश है, इसी प्रकार मालदा भ्रंश है, ये मेघालय और छोटा नागपुर के पठार को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा लोहा को मैग्नीज यहाँ पर मिलता है। अच्छा मैग्नीज के अंदर आपको ऑर्डर बताता हूँ थोड़ा सा, है ना, तो आप ध्यान से देखो, थोड़ा लोहे के बारे में बता देता हूँ, सबसे ज्यादा लोहा कहाँ मिलता है, क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। अभी मैग्नीज ये वाला आपका एक कवर हो जाए टॉपिक, तो देखो लोहा सबसे ज्यादा उड़ीसा, ठीक है, ये यही मिलता है और कहाँ मिलता है, ठीक है, मैग्नीज, मैग्नीज सबसे ज्यादा MP, मैग्नीज जहाँ लोहा है वहीं मिलता है, MP ERS में आया हुआ क्वेश्चन है, लोहा मैग्नीज। अच्छा और बॉक्साइट, देखो उड़ीसा में काफी सारा योगदान है, उड़ीसा का बॉक्साइट में भी टॉप पर है उड़ीसा, ऑक्साइड, बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, कहाँ मिलता है, उड़ीसा में, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अपने बाकी राजस्थान वाले एकाधिकार वाले देखो, सीसा जस्ता राजस्थान में मिलता है सबसे ज्यादा, सीसा जस्ता राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में, और क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, लोहे के क्या क्या प्रकार है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, कौन सा लोहा मिलता है, किस किस जगह मिलता है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, लोह दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है, अब्रक, अब्रक, अब्रक कोडरमा, अब्रक, अब्रक में एक कोडरमा, कोडरमा ये भारत की राजधानी है अब्रक के लिए, इतना कोडरमा में इतना अब्रक मिलता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, मौत की मस्जिद, ओ भाई साहब मौज कर दी, डबल रिपीट हो गया, वाह वाह बेटे। अंगूर की खेती, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, क्यों राजिया हैं, अंगूर की खेती कहाँ होती है बताओ फटाफट, अंगूर की खेती, अंगूर की खेती बताओ फटाफट क्या होगा आंसर, अंगूर की खेती, अरे गुरुजी अंगूर, देखो सैरी, देखो सिंपल याद करना, आज मान लो किसी को याद नहीं है तो दो याद कराता हूँ आपको, देखो मछली का होता है पीस, जब मछली को काटते हैं, किसी ने खाई है क्या मछली, है
तो ऐसे वो पीस काटते हैं, ठीक है। तो पीस बनता है किसका, मछली का। एपी किसकी बनती है, एपी पीए, एपी एपी एपिकल्चर, मधुमक्खी, मधुमक्खी के अपने शहद को पियो और एपी पियो, एक ही बात है, एपिकल्चर मधुमक्खी। याद करो भाई, याद करो, याद करो, याद करो, सिलेक्शन हो जाएगा, मौज हो जाएगी, थाना मिल जाएगा, ठीक है, थाना मिल जाएगा, मजे करोगे एकदम, सब सोना बाबू सब मिल जाएगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल। और फिर यूट्यूब पर भी बुलाएंगे आपको एकदम क्लास को, ठीक है, एकदम पूरा स्टूडियो स्टूडियो दिखाएंगे आपको, सब मौज हो जाएगी मौज। तो सिलेक्शन जरूरी है, ठीक है, बोलेंगे अरे फलौनिया लागियो टीचर बन गयो, टीचर नहीं तो अरे यार कॉन्स्टेबल बन गयो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब तो इतनी मतलब बहुत जरूरी है, और कॉन्स्टेबल बन गए, कॉन्स्टेबल के बाद में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते जाना, हाँ ठीक है। यहाँ नहीं कि जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को नहीं देख रहे हैं, इस क्लास को देखना भाई, वीडियो में ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आएगी, हार्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और अपना टाइम टेबल मैं बता देता हूँ, हमेशा सुबह 7 बजे जो क्लास हो रही है, बेहतरीन कंटेंट, मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान में पहला या दूसरा स्थान अपना ही है, ठीक है, कंटेंट के मामले में, जो छोटे एग्जाम है ना उनके लिए कंटेंट के मामले में 5-10 लोग हैं जो पूरे यूट्यूब पर बेहतरीन कंटेंट देते हैं राजस्थान में, इसके अलावा कोई नहीं। तो 5वें 10वें में तो हमारा नंबर आ रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, सीधे सीधे आते हैं, हूबहू ऐसे लग रहा है कि मैं RPSC में जो है पेपर चेक करने, पेपर बनाने वाला बनना पड़ेगा मुझे, फिर पता लगेगा कितने आंसर दे पाते हो, हैं कहीं कहीं ऐसे लग रहा है सत पे कूद के कहीं मैं आत्महत्या न कर ले, क्योंकि क्या करते जो पढ़ने वाला बंदा होता बेचारा, वो भी ऐसे ही, फिर देखो पटवार का पेपर कैसा दिया आप बताओ, ना कंप्यूटर आता था मेरा बता रहा हूँ, ठीक है, ना मैंने ज्यादा कोई मैथ की, ना रीजनिंग की, अब जब ये नहीं की, इंग्लिश भी नहीं पढ़ी, और अगर करता प्रॉपर तो भी क्या उखाड़ देता, पेपर कैसा आया, कुछ नहीं था, इंग्लिश के जो आए 5 के 5 सही थे, ठीक है, 5 से किए 5 ही सही थे, हिंदी वाले सारे सही थे, ऐसा ही थोड़ी काम आ गई, ठीक है, हिंदी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उधर 12-13 क्वेश्चन थे वो सही हो गए, कंप्यूटर के तो पता ही नहीं था, लेकिन एप्लीकेशन वाले थे जो हम ये काम करते हैं PPT में, ये वाले क्वेश्चन पूछे, ये तो डेली के काम है हमारे, ठीक है। तो 14 इसमें राइट हो गए, 15 में 14 इसमें राइट हो गए, और मैथ रीजनिंग मिला के 33-34 इसमें राइट हो गए, बस काम बन गया, यही है, इसलिए नुकसान होता, अब ये पेपर हार्ड आता मैं इतना थोड़ी लाता, समझ रहे हो ना, क्योंकि इसकी तो प्रॉपर तैयारी नहीं की, तो फिर भी ये गलत है, जो बंदा तैयारी करता है उनके हिसाब से पेपर पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी दे रहे हो, रीट में दिया भाई, जो 2-3 महीने तैयारी की वो बराबर, और जिसने तैयारी नहीं की वो भी बराबर, ऐसे थोड़ी होता है, मतलब घोड़ों को गधों के बराबर कर रहे हो, इसलिए बोल रहा हूँ कि पेपर सेटर मुझे बनना पड़ेगा, बनना ही पड़ेगा, एक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है, वो एक निकालना पड़ेगा सब्जेक्ट के साथ, और फिर उसके बाद पेपर सेटर बनूंगा, एक बार नहीं तो पेपर सेटर बनना है, नहीं तो सरपंच बनना है गांव का, ये दो मेरे सपने हैं, ठीक है, या तो सरपंच बनूंगा या बनूंगा सरपंच, सरपंच लग रहा बन ही जाऊंगा, है ना, और नहीं तो फिर मैं पेपर सेटर बनूंगा, क्या पेपर सेटर, और पेपर सेटर बनूंगा तो ये जो मेरी क्लास है ना इससे पेपर आउट हो जाएगा, ठीक है, होने तो नहीं दूंगा लेकिन हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अच्छा आपको पता है अभी एक असिस्टेंट प्रोफेसर में पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, क्या है, पॉलिटी एक सब्जेक्ट है, इससे इतने क्वेश्चन पूछेगा ना, एक मास्टर है जिसके वही पेपर बनाता है पॉलिटी पेपर, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा पॉलिटी पेपर, तो पॉलिटी पेपर में उसने इतने क्वेश्चन फेंके ना, 140 क्वेश्चन अपनी किताब से, वो हिट हो गया, उसकी किताबें धड़ल्ले से बिक रही है, अरे यार 140 क्वेश्चन, हाँ 140 क्वेश्चन इसके पेपर से आए सीधे 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 सीधे, पॉलिटी में 140 सही उसका सिलेक्शन है, कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए आधी पुरानी फिर क्लास मेरी कोई देखेगा तो वो तो गेम खेल जाएगा अलग ऐसा रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, विटी विटी इसका आंसर हो जाएगा, अंगूर की खेती का, ऑलरेडी अपने बागवानी है ही, ठीक है, और शहरी, देखो आप आपने जब जूस पिया होगा तो शहरी खाई होगी, शहरी कैसी होती है, एकदम मुलमुली, और मुलमुली रेशम होता है, रेशम बस रेशम रेशम मारो हरियो रेशम योर माल, ठीक है, बंदड़ी ने मत भेजो, 16 झूम कर सी, ये रहा ये लास्ट क्वेश्चन आज का, बताओ क्या होगा आंसर, आपकी भावनाएं क्या कह रही है, झूम कृषि को किस नाम के किसके नाम से जानते हैं, झूम कृषि, झूम बराबर झूम स्थानांतरण, और क्या ये कृषि क्या होती है, इसमें जो भी आदिवासी लोग होते हैं, जैसे अपने राजस्थान में आपको एक पता ही है वादरा कृषि, वादरा कृषि में आपको याद कराता हूँ, हमेशा मैं कंफ्यूज होता हूँ, है ना, वादरा कृषि को लेकर भील करते हैं वादरा कृषि, ठीक है,
इसमें दो टाइप की खेती होती, सी माता और दजिया। देखो अब जब आप पहाड़ पे चढ़े हुए हो, जैसे ये सोनिया खड़ी यहाँ पर है, अब ये सोनिया के पीछे से कोई धक्का लगा है, वैसे नहीं देना चाहिए लेकिन मान लो, तो सोनिया क्या करेगी, सीखेगी, क्या सीखेगी, ठीक है। इसका मतलब सी माता मतलब पहाड़ी पर, पहाड़ी, और दजिया, दजिया सिंपल। अब दजिया की भी याद करूँ क्या ट्रिक है, ना मानोगे, समतल, ठीक है, इसको ध्यान रखें, दजिया समतल। तो ये है। अच्छा और भी बहुत सारी कृषि होती है, पोंडू कहाँ होती है ये आपको ऑप्शन में बताना है, पोंडू, पोंडू, पूनम, अरे ये तो गुरुजी लड़की का नाम है, नहीं नहीं पूनम, ठीक है, पोंडू, पूनम, दो तीन और है, ठीक है, मसा, ऐसे करके राजस्थान में, जहाँ अपने भारत में जहाँ भी झूम कृषि होती है ना, वहां से कुछ पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे, झूम कृषि कहाँ होती है, अपने नॉर्थ ईस्ट में, कहाँ पर होती, नॉर्थ ईस्ट में होती है, समझ गए, समझ गए लाल लालियों, माहौल बन गया, बन गया क्या बताओ, बना कि नहीं बना, फटाफट बताओ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दीपावली के जो है फटाके वटाके कम चला रहा, पॉल्यूशन ज्यादा होता है, और पॉल्यूशन से पता लगा क्वेश्चन पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो अगली क्लास में थोड़ा पॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एनवायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।